हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन रोमांटिक साइको प्रोफेसर हस्बैंड के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ते दिल ही दिल में सोचने लगता है, वाओ बेबी बॉय, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तयंग वर्ड में कुछ ना बोलकर इशारा कर जोंगकुक को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहता है। जोंगकुक तयंग के बात मानकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तयंग सर्वेंट के तरफ देखते ही सर्वेंट तुरंत फूड सर्व कर देता है। दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। जोंगकुक को कुछ बोलते ना देखकर तयंग को उस पर डाउट होने लगता है। तयंग मन ही मन सोचने लगता है, जोंगकुक तो इतने आसानी से बात मानने वाला इंसान नहीं है, ज़रूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। तभी जोंगकुक ईटिंग फिनिश करके कहता है, प्रोफेसर किम, अब हमें चलना चाहिए। लुक, मैंने खाना भी ख़त्म कर लिया है। तयंग जोंगकुक के हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने लैप पर बिठा कर कहता है, लेकिन उसके पहले मुझे स्वीट चाहिए, पहले मुझे स्वीट खाने दो, उसके बाद ओके। ये कहकर तयंग स्मार्क करता है। जोंगकुक इनोसेंटली कहता है, आपको अभी स्वीट खाना है, ओके अब जल्दी से स्वीट खा लो, मुझे बताने की क्या ज़रूरत, मैंने कब मना किया आपको। ये कहकर जोंगकुक मुंह में हवा भरकर गाल फुला लेता है। तयंग जोंगकुक के सिर पर धीरे से स्लैप करके कहता है, आर यू मैड, क्या तुम सच में किड हो जो तुम्हें स्वीट खाने का मतलब नहीं पता। जोंगकुक को अपने तरफ कॉन्फ्यूज्ड लुक से घूरते हुए देखकर तयंग कहता है, लव, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं किस स्वीट की बात कर रहा हूँ। जोंगकुक तयंग के लैप पर से उठने की कोशिश करते ही तयंग और भी ज़्यादा टाइटली जोंगकुक के कमर को होल्ड कर उसे अपने सीने से चिपका लेता है। तयंग के आंखें इस वक्त जोंगकुक के लिप्स पर था। तयंग धीरे धीरे जोंगकुक के तरफ आगे बढ़ रहा था। तय को आगे बढ़ते देख जोंगकुक समझ जाता है कि तय किस स्वीट खाने की बात कर रहा था। जोंगकुक जल्दी से तयंग के लैप पर से उठने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। तयंग जोंगकुक को और कुछ बोलने नहीं दिया। तयंग सीधा जोंगकुक के होठों से होठ मिला लेता है। जोंगकुक को तयंग के इस हरकतों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खून जलने लगता है उसका। दूसरे तरफ तयंग उसे इस तरह हंगरीली किस कर रहा था जैसे जोंगकुक दोबारा उसे नहीं मिलने वाला है, उसे फिर कभी अपने करीब नहीं पाएगा। तयंग तयंग के दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि वो जोंगकुक को खो देगा। जोंगकुक के होठों को चूमते हुए करीब 20 मिनट हो चुका है, लेकिन तयंग अभी तक जोंगकुक के लिप्स को फ्री नहीं किया। ब्रीथ ना ले पाने के कारण जोंगकुक को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ, मैं ठीक से ब्रीथ तक नहीं ले पा रहा हूँ। क्या ये मॉनिस्टर को ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे ही तकलीफ हो रहा है? जोंगकुक खुद को फ्री करने के लिए तयंग के लिप्स पर जोर से बाइट कर देता है। जोंगकुक के बाइट करते ही तयंग पेन में कुकी के लिप्स को छोड़ देता है। तयंग किस ब्रेक करते ही जोंगकुक तुरंत तयंग के लैप पर से उठकर थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाता है। तयंग थम से लिप्स को टच कर फिंगर पर खून देखकर कहता है, एक क्या क्या तुमने इतने जोर से कोई बाइट करता है? तुमने इतने जोर से बाइट क्यों किया? देखो लिप से कितना खून निकल रहा है। जोंगकुक कहता है, अच्छा किया मैंने, गलती तुम्हारी है, बात बात पर तुम मुझे किस क्यों करते रहते हो? तुम्हारे पास खाने की इतने सारे चीज़ें हैं तो मेरे होठों पर टॉर्चर क्यों करते हो तुम? मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, यू मॉन्स्टर डेविल। तयंग थोड़ा सीरियस फेस करके कहता है, बेबी तुम इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? जोंगकुक अब थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो प्लीज़ अब तो तुम मुझे घर जाने दो। तयंग कहता है, जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी सारी बात मानना होगा। जोंगकुक कहता है, ठीक है चलो। तयंग और कुछ ना कहकर
जंगकुक को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके दिल में जंगकुक को खोने का डर बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते तेई कुकी के साथ जियोन मेंशन के पास पहुंच चुका था। तंग कार मेंशन के गेट के बाहर रोक कर कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं फिर से कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम बस मुझे समझने की कोशिश तो करो, ठीक है? प्लीज़ बेबी मुझे छोड़कर मत जाना, जंगकुक कहता है। अब मेरा हाथ छोड़ो, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब अंदर जाने दो मुझे। फिर मन ही मन कहता है, एक बार घर तो जाने दो मिस्टर किम, उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अच्छा, प्रोफेसर किम के लिए इतने सारे लोग पागल हैं, वो किसी को इतना भाव नहीं देता है, उसने मुझ में ऐसा क्या देखा होगा? त्यांग कुकी को ख्यालों में खोया हुआ देखकर कहता है, लव तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस इतना ही। ये कहकर जंगकुक कार से निकाल कर भागते हुए मेंशन के अंदर जाने लगता है। त्यांग आहें भरकर जंगकुक को जाते हुए देख रहा था। जंगकुक जैसे ही डोर बेल को प्रेस करता है, मिसेस जोन डोर ओपन कर एंग्री टोन में कहती है, अब तुम हाथ से आगे बढ़ रहे हो, क्या ज़रूरत थी कल रात यूनो के घर पर रुकने की? जंगकुक अपना मॉम की बातों को इग्नोर कर सीधा अंदर आकर देखता है। लिविंग रूम में पहले से ही सब लोग बैठा हुआ है। जंगकुक सीधा अपने डैड के पास सोफे पर आकर बैठ जाता है। मिस्टर जोन जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है, वो अपने बगल में जंगकुक के प्रेजेंस महसूस करके कहता है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, डैड मैं इस कॉलेज में और नहीं पढ़ना चाहता। ये सुनकर सब लोग हैरानी से जंगकुक को देखने लगता है। मिस्टर जोन कहता है, व्हाट आर यू किडिंग, नहीं पढ़ना चाहता, इसका क्या मतलब है? तो तुम क्या करोगे? जंगकुक कहता है, मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, किसी दूसरी कॉलेज में पढ़ूंगा, लेकिन इसमें नहीं। प्लीज़ डैड कल ही मैं किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। डैड प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक कॉलेज कुछ खास पसंद नहीं है, ये कहकर जंगकुक अपने कमरे में चला जाता है। जंगकुक अपनी बात मनवाने के लिए कमरे की डोर अंदर से लॉक कर रोना शुरू कर देता है। होल डे जंगकुक किसी से भी बात नहीं की और ना ही कुछ खाया। मिस्टर जॉन जंगकुक के जिद के आगे हार मानकर उसके लिए किसी दूसरे सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेकर रात को घर आता है। उस रात ही जंगकुक अपना सारा सामान पैक कर अपने डैड और अपने भाई के साथ न्यू सिटी और न्यू कॉलेज के लिए निकल जाता है। तंग होल डे ऑफिस के कामों में बिजी था। बिजी रहने के कारण ते पूरा दिन जंगकुक के बारे में जानने के लिए गार्ड को कॉल नहीं कर पाया था। गार्ड 2-3 बार ते को कॉल किया था, पर ते बोर्ड मीटिंग में था। मीटिंग के टाइम पर फोन साइलेंट था, इसीलिए गार्ड से तेयंग की कोई बात नहीं हुई। जंगकुक नामजून और डैड के साथ आज की रात किसी होटल में बिताने वाला है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नामजून और मिस्टर जोन जंगकुक को न्यू कॉलेज में एडमिट करवा दिया था। अब जंगकुक फिर से अपने डैड और अपने भाई से कॉलेज हॉस्टल में रहने देने के लिए जीत करता है। जंगकुक के ब्लैकमेल और रोने धोने के कारण मिस्टर जोन उसे हॉस्टल रहकर स्टडी करने की परमिशन दे देता है। जंगकुक इस बीच योनो को कॉल कर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, ताकि वो गलती से उसके घर पर जाकर कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। तंग फ्री होकर फोन हाथ में लेकर गार्ड के इतने सारे फोन कॉल्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। तंग तुरंत गार्ड को कॉल कर जंगकुक के बारे में पूछता है। गार्ड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तंग कुछ ही मिनटों में अपने बेबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था। तंग जल्दी से तैयार होकर दूसरे सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। तयंग अपने पावर का इस्तेमाल कर कॉलेज हॉस्टल में घुस जाता है। जंगकुक न्यू एनवायरनमेंट में खुद को बहुत जल्द एडजस्ट कर लिया है। यहाँ आकर जंगकुक कुछ नए दोस्त भी बना लिया है। जंगकुक को देखकर कुछ
स्टूडेंट खुद से उससे दोस्ती करने के लिए आया था और जोंगकुक ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तैंग अंदर आकर देखता है जोंगकुक अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रहा है। उसे मन लगाकर पढ़ते हुए देखकर तैंग मन ही मन सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ यह वो मन लगाकर स्टडी करेगा। सियोल में रहा तो वो लड़की लीसा और यूनो के साथ मिलकर अजीब हरकतें करेगा और फिर से मुझे उस पर गुस्सा आ जाएगा और फिर से मैं उस पर अपना हाथ उठा दूंगा। तैंग हफ्ते में 4 बार जोंगकुक को देखने हॉस्टल आता है लेकिन ते कभी उसके सामने नहीं गए। तैंग दूर से ही जोंगकुक को देखता था। जोंगकुक के दिन अब बहुत ही आराम से बीत रहा था बिना किसी टेंशन के। कॉलेज के फाइनल एग्जाम की तैयारी में जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। जोंगकुक देखते ही देखते दूसरे सिटी में 2 साल बिता दिया था। कॉलेज एग्जाम भी अब खत्म हो चुका था और जोंगकुक इन 2 सालों में तेई को भूल गया था। एग्जाम खत्म होते ही जोंगकुक छुट्टी में सियोल अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसे लगा इन 2 सालों में तेयंग भी उसे भुला चुका होगा। जोंगकुक घर आने के बाद उसके मॉम डैड उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगता है। जोंगकुक भी अपने मॉम डैड को मना नहीं कर पाए। जोंगकुक के हाँ बोलने पर जोंगकुक की शादी उसके कजिन हनसुई के साथ तय हो जाता है। जियोन मेंशन में शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चलने लगता है। मिस्टर जियोन जोंगकुक और हनसुई को साथ में वेडिंग शॉपिंग पर भेजता है। दूसरे तरफ तैयंग को जोंगकुक के बारे में सब कुछ पता है। 24 आवर्स तैंग उस पर नज़र रखे हुए है। एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए जोंगकुक और हनसुई ज्वेलरी शॉप पर रिंग देख रहा था। अचानक हनसुई को जोंगकुक के लिए एक रिंग पसंद आ जाती है। हनसुई जोंगकुक के हाथ पकड़कर ट्रायल के लिए जोंगकुक को अपने साथ खींचते हुए शॉप के अंदर लेकर आती है। हनसुई कहती है, देखो तो ये रिंग तुम्हारी उंगली में कैसा लगता है। ये कहकर हनसुई रिंग जोंगकुक के फिंगर पर पहना कर स्माइल करती है। जोंगकुक कहता है, वेरी नाइस, थैंक यू जान। ये सब कुछ देखकर तैयंग के आंखों से आग निकालने लगता है। हनसुई कहती है, बेबी क्या तुम्हें ये रिंग पसंद आया है। जोंगकुक कहता है, क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा हनसुई तुम अपने लिए कुछ सिलेक्ट करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। हनसुई जोंगकुक के बात पर नोट कर अपने लिए ज्वेलरी देखने लगती है। जोंगकुक जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए कोई उसे खींचते हुए अपने साथ ट्रायल रूम के अंदर लेकर आता है। जोंगकुक ठीक से कुछ देख नहीं पाया कि किसने उसे इस तरह से खींचा। जोंगकुक गुस्से में कहता है, कौन है। तब तैयंग उसे छोड़ देता है। जोंगकुक पीछे मुड़कर तेई को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक पीछे की ओर जाते हुए कहने लगता है, सर आप यहाँ। तैयंग डार्कली चकल करते हुए जोंगकुक के तरफ बढ़ने लगता है। तैयंग कहता है, ए मैं हूँ बेबी बॉय, क्यों तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तैयंग को आगे बढ़ते देख जोंगकुक कहता है, प्लीज़ वही रुक जाओ, मेरे करीब मत आना, मैं जल्द ही हनसुई से शादी करने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी मत करना। तैयंग कहता है, शादी, ओ रियली बेबी बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 साल तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, खुद को मुझसे दूर रखकर अब किसी और से शादी करने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। जोंगकुक कहता है, ए मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा। तैंग कुछ बोल नहीं रहा था। तेई बस एक तक अपने बेबी को ही घूरे जा रहा था। जोंगकुक पहले से भी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल बन चुका है इन 2 सालों में। जोंगकुक कहता है, हटो मेरे सामने से, हनसुई बाहर मेरे लिए इंतज़ार कर रही होंगी। जोंगकुक के मुँह से हनसुई के नाम सुनकर तैंग का दिमाग खराब हो जाता है। तैंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम उस हनसुई के पास जाना चाहते हो, वो बेशरम लड़की के पास तुम क्यों जाना चाहते हो जान। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ मिस्टर किम, हनसुई मेरे होने वाली पत्नी है, उसके अगेंस्ट किसी भी तरह के
बैड वर्ड मैं सहन नहीं करूँगा। तंग आप खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। तंग गुस्से में एक हाथ से जंगकुक के शर्ट के कॉलर पकड़ कर शर्ट एक ही बार में खींच कर सामने से पूरी तरह से फाड़ देता है। तयंग के एक्शन जंगकुक को डरा दिया था। जंगकुक अपने फटे हुए शर्ट और नेकेड बॉडी को देखकर घबरा जाता है। जंगकुक कांपती हुई आवाज में कहता है, प्लीज आगे मत बढ़ना, कुछ मत करना मेरे साथ। जंगकुक वहां से भागने की कोशिश करते ही तयंग उसे पकड़ लेता है। तयंग जंगकुक के दोनों हाथ टाइटली उसके बैक के पीछे ले जाकर होल्ड करता है। ते खुद को जंगकुक के करीब कर धीरे से कहता है, 2 साल तुमने मुझे टॉर्चर किया ना, खुद को दूर रख कर अब पानिशमेंट झेलने की बारी तुम्हारी है लव। ए कहकर तंग जंगकुक के नेक पर अटैक कर वह बेट किसेस देने लगता है। देखते ही देखते किसेस बाइटिंग में बदल जाता है। तयंग अब नेक से चेहरा हटाकर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। तयंग जब झुककर जंगकुक के लिप्स पर किस करने जाता है, जंगकुक से इशारा कर ऐसा करने से मना करता है। तयंग उसे इग्नोर कर होठों से होठ जोड़ कर सक करना शुरू कर देता है। 2 साल की कसर तयंग आज एक ही दिन में पूरा कर लेगा। ते पागलों की तरह कुकी के लिप्स को खा रहा था, उसे सक कर रहा था। बहुत टाइम हो गया था जंगकुक को वॉशरूम गए। हंसू ही परेशान होकर शॉपिंग मॉल में जंगकुक को ढूंढने लगती हैं। दूसरे तरफ तंग सारा गुस्सा जंगकुक के लिप्स पर उतर रहा था। उसे लंबे समय से किस कर रहा था और उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। जंगकुक ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। जंगकुक फुल फोर्स के साथ ते को खुद से दूर पुश कर नीचे बैठकर हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तयंग खुद भी हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। कुछ देर बाद आंसू भरी आंखों से कुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन बाद शादी कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ फिर से कभी मेरे सामने मत आना। तयंग कहता है, बेबी 2 दिन तक तुम्हें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। जंगकुक कॉन्फ्यूज लुक से तयंग के तरफ देखकर कहता है, व्हाट? तयंग कहता है, बेबी अपने छोटी सी ब्रेन पर इतना जोर मत डालो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। यू नो ना आई लव यू सो मच, तुम्हें शादी को लेकर इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा लव। ए कहकर तंग जंगकुक के माथे पर और फिर गाल पर किस कर उठकर खड़ा हो जाता है। बेबी यह न्यू क्लोथ रखा है, बाहर जाने से पहले कपड़े ध्यान से चेंज कर लेना, ओके? ओके बाय जान, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ए कहकर ते जंगकुक को ट्रायल रूम में छोड़कर बाहर आ जाता है। जंगकुक हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। देर बाद कपड़े बदल कर बाहर आ जाता है जंगकुक। हंसुई जंगकुक को देखते ही उसे हक कर लेती है। हंसुई कहती है, तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, तुम्हें पता है जान मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। जंगकुक कुछ नहीं कहता। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।